हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम एंड प्यार भरी सत श्री अकाल जी आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रंजीत निगारा। व्हाट्स द रंजीत निगारा? रंजीत निगारा इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA। ठीक है जी। और आज असी तुहानू दिखा रहे हैं लाहौर फोर्ट, लाहौर दरबार, शीश महल। ठीक है जी। जिथे राजे महाराजे जिहड़े सी उन्हां दा राज सी, मुगल अंपायर कायम हुआ होया। 2000 साल पुरानी इस किले की तवारीख है जी। बहुत ही सोहने सोहनिया चीज़ा जड़िया ने, अद्भुत जिहड़े ने दृश्य ने वो इस किले के तुहानू नज़र आउंदे ने। राइट साइड के उत्ते बुरज ऑफ लाहौर, महाराजा रणजीत सिंह का बनवाया होया बुरज। शीश महल ते तुसी देख लो किसी किस्म का बर्डन नहीं, बिल्कुल सैपरेट। एक लैफ्ट साइड के उत्ते तुहानू बुरज की जगह खाली नज़र आ रही है। आप जी नूं दसण दा मकसद सिर्फ यही है कि यह बुरज जिहड़ा है इहदे ते बिजली डिगी सी और वह बुरज जिहड़ा सी बिल्कुल सफा हस्ती तो खत्म हो गया। और राइट साइड के उत्ते ठीक है जी, ये वाला जिहड़ा बुरज है इत्थे ही गुरु महाराज का सरूप जिहड़ा सी रख्या गया वॉल सिटी अथॉरिटी वालों और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों। ये जिहड़ा बुरज है वह तकरीबन 90% रिपेयर हो चुका है। हुण बाकी सिर्फ देख लो वॉल आर्ट फ्रेस्को वर्क जिहड़ी है वह ही बाकी रह गई है इहदी। ठीक है जी। इहदे चार दरवाजे ने अनुसार तुहानू जिस तरह कि पता सिख रहा मर्यादा के तहत कोई भी गुरु घर छोटा या वड्डा उहदे चार दरवाजे जिहड़े ने रखे जाते हैं। बाजे का एक भी है, जिस तरह कि महाराणी जिंद कौर का जिहड़ा गुरद्वारा है उहदा एक ही दरवाज़ा है जी। ठीक है जी। इत्थों इस जगह तुसीं एंटर हुंदे आ और इस जगह के उत्ते आके तुहानू सज्जे पासे इत्थे थले जिहड़ा ये महाराणियां दे इशनान करन दी और शाही बाथ जिहड़े ने उहनां दी जगह है। ठीक है जी। और उस तो बाद उत्ते बहुत ही खूबसूरत छत है। छत तो बाद इस साइड के उत्ते यह बुरज जिहड़ा उत्ते यह जी खाली जगह तुहानू नज़र आ रही है यह जी जगह है यह दूसरे बुरज की सी जी कि इतों बुरज डिग गया है आसमानी बिजली डिगन के कारण, लेकिन पहला बुरज जिहड़ा है वो अज भी कायम है। ठीक है जी। होप कि गोरमेंट कभी इनू भी रीस्टोर करेगी। आपां अपनी टीम रणजीत निगारा भी कहने कि यह वाला बुरज जिहड़ा उन्होंने रिपेयर किया जाए जी, इन दोबारा तो रीस्टोर किया जाए। ठीक है जी। मोस्टली किंग अकबर जहांगीर और शाहजहां के दौर दे विच बहुत ज़्यादा काम होया, मुकम्मल काम होया, लेकिन तुहानू असीं अंदर चल के दसांगे कि किहड़ा मुगल पीरियड दे विच काम होया और किहड़ा जिहड़ा वह होया है अपना उहदे दौर दे विच सिख पीरियड दे विच होया, क्योंकि कुछ लोग कॉन्ट्रवर्शियल बहुत ज़्यादा हिस्टरी नूं दसदे ने जिहदे विच बार बार दस्या जाता है कि हिस्टरी नाल संबंधित जिहड़ियां चीज़ां ने उहनां नूं खालसा राज विच खराब किया गया। बल्कि अगर सही तरीके ना स्टडी की जाए, सही तरीके ना देखा जाए तो तुहानू जिस तरह क्या देखो तुहानू पूरा पवीलियन नज़र आ रहा राइट साइड के उत्ते गुंबद कित्थे आ कॉर्नर के उत्ते 10x10 का, लैफ्ट साइड तो 10x10 का, जिहदा कोई बर्डन भी शीश महल के उत्ते नहीं है। कोई चीज़ नू डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि मिक्स एंड मैच करके उस आर्कीटेक्चर नू होर भी खूबसूरत किया गया है। हाँ जी जी। इतों साइड के जिहड़े पवीलियनस ने शुरू होंदे ने और तुसीं देखो मार्बल का किन्ना खूबसूरत काम होया होया, जिहड़ा कि काम सारा मुगल पीरियड दे विच ही मुकम्मल कर लिता गया सी। ये तुसी देख सकते हो कि भी पंजाब दे जिहड़े पुराने बूहे ने उन्हां दे डिज़ाइन जिहड़े ने वो ब्लैक टीक वुड, बर्मा टीक वुड या काले दियार दे विच पूरे बनाए गए हैं। बहुत ही सोहना काम होया होया है और बहुत ही बारीक होया होया। ठीक है जी। छत भी जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते भी बहुत ही प्यारा लकड़ी का काम होया, चोबकारी इहनूं कहा जांदा, चोबकारी का काम होया जी। सूरिया बनिया होया सी इत्थे जी। छत की बहुत ही ब्यूटी। अगे चलते हाँ सी। एक बरामदा जिहड़ा दूजे बरामदे च खुलदा है। ठीक है जी। और बहुत ही खूबसूरत एक्सटेंडेड आर्च, एक्सटेंडेड आर्च इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द खालसा राज। होर किसी दे विच भी जिहड़ा सी इस तरीके नाल वह नहीं सी बनाया जाता। और उस तो बाद कुछ चीज़ां ऐसियां ने खालसा राज दियां जिहड़ियां कि अज तक बाकी हैं। ठीक है जी। और है जी ये वाटरफॉल है, बहुत वधिया तरीके नाल
स्लाइड फॉल जिहड़ी है वह गिरती है जी आके इस जगह के उत्ते और फिर अगों पूल दे विच चली जाती है। नैक्सट जिहड़ा है वॉल आर्ट जिहड़ा वह तकरीबन काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। फिर उस तो बाद तुसी देखो अगर तो इत्थे वॉल फ्रेस्को सी जिहड़ा कि वह थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। उस तो बाद तुसी देख सकते हो हिंदू देवता जिहड़े ने उन्हां दीआं छबीआं जिहड़ीआं ने अज भी किते ना किते नज़र आ रही हैं। और उस तो बाद कृष्णा जी मुरली मनोहर लैके खलोते हुए ने अपनी राधा दे नाल। और उत्ते तुसी देखो बहुत ही प्यारे वॉल आर्ट जिहड़े ने वो बने हुए ने फ्लावर्स। एक्सटेंडेड आर्च की आप जी गल कर रहे सी जिहड़ी कि खालसा राज की आइडेंटिफिकेशन है सेम उस तरह ही अगे लैफ्ट राइट जिहड़े ने सूर्यास भी बने हुए ने। और उस तो बाद इत्थों तुहानू किस तरीके नाल नज़र आता है यह देखो बहुत ही वधिया। चलते हैं नैक्सट चैंबर विच। बहुत ही प्यारा वाल आर्ट है जी देखण दे नाल तलक रखता है। और ये वाला सारा काम जिहड़ा मुगल पीरियड का है जी लेकिन इत्थों पता चलता है जी जिहड़ी गल हिस्टरी दे विच कहा जाता है कि हर चीज़ नूं खराब किया गया सी या इदां किया गया सी। आखिर 200 साल हो गए ने खालसा राज नूं भी खत्म हुए हुए ठीक है जी। तो ये चीज़ों के निशान बाकी जिहड़े दस रहे ने इहदा मतलब है कि उस दौर दे विच चीज़ां नूं खराब नहीं किया गया बल्कि जो जिंज है सी उन्हों उस तरीके रख्या गया। यह सारा गोल्ड वाटर का काम होया और वाहिद जगह है कि जिथे तुहानू सब तो ज़्यादा गोल्ड वाटर मिलता है। ये वॉल फ्रेस्को बहुत ज़्यादा सोहना तुसी देखो यह बीबियां खलोतियां हुई ने इधर भी बीबियां बैठिया हुई ने। ये शिव जी लग रहे ने इत्थे ठीक है जी। और उस तो अलावा होर भी छबियां जिहड़ियां ने वह मौजूद ने। ये बिल्कुल जी जिहड़ा गोल्ड का वाटर होया और बिल्कुल क्लीयर कट है कि बाबा गुरु नानक साहब जिहड़े ने वह बैठे हुए ने। ये उत्ते ट्री है ए ग्रीन वाला ठीक है जी। और इत्थे थले जिहड़ी गद्दी है वह पहली पातशाही बाबा गुरु नानक साहब की सेम उही है जी ट्री शेड और बैठक ए थले बिछाई जी बिछी हुई है जिहड़ी पर यह सारा गोल्ड नाल होया होया काम। आ देख सकते हो जी तुसी बहुत ही वधिया काम है बहुत ही डेडिकेशन दे नाल करवाया गया। इत्थे कदी बहुत ही प्यारे शीशे लगे होणगे जिहड़े कि रीस्टोर होने लई जा रहे ने। इह उत्ते भी गोल्ड वाटर का वर्क है सारा। वॉल सिटी अथॉरिटी बहुत ही वधिया काम कर रही है जी एप्रीशिएट करते हाँ जी असी। ये उत्ते वॉर दे जिहड़े ने वो जा रहे ने हुणे कुछ कहा नहीं जा सकता किसी की बारात जा रही है। बहुत ही वड्डी पेंटिंग बनी हुई है बिल्कुल पतली जी ड्योड़ी दे उत्ते। इत्थे भी इस तरह ही है बारात जा रही है क्योंकि मिट चुकी है इस वास्ते क्लीयर नज़र नहीं आ रही। सीलिंग आर्ट जिहड़ा बहुत ही खूबसूरत है जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਰੂਮਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਵੀਲੀਅਨਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮਸ ਨੇ ਸਾਈਡ ਰੂਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ
ਆਪਣਾ ਬਣਾਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਗਸ ਕੁਈਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲ ਆਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਛਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਗੋਲਡ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 10x10 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਖਵਾਬਗਾਹਾਂ, ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ।